हेलो गाइस, आज मुझे राज ने बोला है मैं तुम्हें आज ट्रीट दूंगा। तो मैंने बोला कहाँ पे ले जाके ट्रीट दोगे? नहीं, घर में ही ट्रीट दूंगा कि मैं आज खाना बनाऊंगा तुम्हारे लिए। मैंने बोला हाँ ठीक है, खुश तो हूँ बहुत जैसे उन्होंने बोला है। कोई आपको इतना अच्छा सा ट्रीट देगा बोला है और वो भी खुद हाथ से खाना बना के खिलाएगा बोला है, तो उसमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। मगर थोड़ी सी डरी हुई हूँ कि कैसा बनाएगा, क्या बनाएगा, खा पाऊँगी या नहीं। मगर थोड़ा सा खुश हूँ इसलिए ये सब चीज़ जो है कल रात से ही चल रहा है। कल रात को भी वो मुझे कुछ बना के दिया था तो वो बहुत अच्छा बनाया था, बहुत ही टेस्टी, बहुत हेल्दी था और बहुत टेस्टी था। ना हेल्दी बनाया था, हेल्दी खाना हमेशा इतना टेस्ट नहीं होता है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी ऑयल का ऐड नहीं किया था। आज भी वो बना रहे हैं और मुझे किचन में आने ही नहीं दे रहे हैं, बोल रहे तुम मत आओ, मैं सब चीज़ मैं करूँगा। मैंने बोला हाँ तुम कर लेना, फिर भी मैं थोड़ा सा शूट करूँगी तुम क्या बना रहे हो मेरे व्यूअर्स के लिए। तो बोले हाँ ठीक है, मगर अभी मत आना, मैं पहले सब कुछ तैयार कर लेता हूँ उसके बाद आना। क्योंकि वो जब काम करते हैं ना बहुत क्लीन करते हैं, मतलब एकदम नीट करते हैं, सब चीज़ एकदम परफेक्ट करके लेके उसके बाद खाना बनाना शुरू करते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो अब मुझे आने नहीं दे रहा है किचन में, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, मुझे वो भी पता नहीं है। सब चीज़ खुद जाके खरीद के लाए हैं और पूरा सरप्राइज है, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि क्या बनाएंगे, कुछ आइडिया भी नहीं है। कल रात को जो बनाए थे पता नहीं कोड किट और कोड सेट, ये तो कुछ उसका नाम था मैं भूल गई हूँ, पर उसका भी शूट किया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मगर बहुत अच्छा था, बेक्ड था, अच्छा था। चलो देखती हूँ, अभी किचन में तो आने नहीं दे रहे, फिर भी मैं जाके देखती हूँ उनका, मतलब सारे अरेंजमेंट हो गया तो मैं शूट करूँगी, देख के आती हूँ हुआ है नहीं हुआ है, एक्साइटेड हूँ। राज कुछ बनाने के लिए, मतलब क्या बनाएंगे वो मुझे अभी तक उसका नाम पता नहीं है, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स रेडी किया है, बहुत नीट से रेडी किया है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कितना क्लीन रेडी किया है, प्रॉन डाल दिया अभी, चिल्ली पाउडर कितना बोलो, वन टी स्पून, करेक्ट, वन स्पून पेपर, वन स्पून पेपर, अब क्या डाला है, गार्लिक, ओ गार्लिक, वन टेबल स्पून टी स्पून गार्लिक, सम कोरिएंडर, ओके, सब चॉप्ड सिलेंटो मींस कोरिएंडर, नाउ यू गोइंग टू ऐड क्यूमिन पाउडर, क्यूमिन पाउडर वन टेबल स्पून, करेक्ट, अब सम ऑलिव ऑयल, ओके, गोइंग टू ऐड लेमन जूस, लाइम जूस, करेक्ट, या बिट ऑफ लाइम जूस, बिट ऑफ लाइम जूस, एंड सम सॉल्ट टू टेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, ओके, दैट्स इट, या, ओके, looks good. Wow. तो अभी देख के खाने का मन कर रहा है, वो स्मेल वेरी, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, शो डिलीशियस स्मेल आ रहा है अभी से, कुक होने से पहले से। जल्दी कुक करो, मुझे भूख लगने लगा है, जल्दी जल्दी करो। ये क्या है, स्टार्टर है और मेन कोर्स, और बोलोगे नहीं, yeah, it's a suspense. Okay. Means, पता नहीं मुझे मेन कोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा। ओके, आई एम हंग्री नाउ बिकॉज वेरी टेस्टी स्मेल आ रहा है यार। कढ़ाई में क्या डाला है, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, ओके, ओके, मिक्स किया हुआ प्रॉन कढ़ाई में डाल देना है, ओके, गुड।
so delicious. I can't wait. अभी जो बनाए थे वो लेटस रैप था और वो स्टार्टर था. मैं बता नहीं सकती कितना यामी था. सच में आज तो मैं बोलूँगी राज मुझसे भी अच्छा खाना बनाते हैं. ऑसम स्टार्टर था. अब वो मेन कोर्स बना रहे हैं. मेन कोर्स में कुछ इटालियन बना रहे हैं तो अभी उसका तैयारी चल रहा है. मैं तो अभी बहुत खुश हूँ क्योंकि स्टार्टर बहुत अच्छा था. मुझे जितना लगता है मेन कोर्स भी बहुत अच्छा रहेगा. ओह माय गॉड, ऑसम 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 स्टार्टर. मुझे तो लग रहा था कोई 5-star होटल का स्टार्टर खा रही हूँ. गुड कुक राज, क्या बना रहे हैं? लुक लाइक पास्ता. ओके ओके. क्या डाला? चिकन. ओके. चिकन फ्राई हो गया है. अब क्या डालना है? स्पिनाच. स्पिनाच. ओके. टोमेटो. पेपर. सॉल्ट टेस्ट. Salt to taste. Okay. Milk. पार्मेसन चीज ऐड कर रहे हैं. पास्ता तो रेडी हो गया है और उन्होंने मुझे किचन से यहाँ पे भेज दिया है. बोला है तुम जाओ, मैं लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए. मेरा हिंदी तो आपको लोगों को मालूम ही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, उसके लिए सॉरी. बट मेरा पास्ता भी आ रहा है, मैं देख रही हूँ साइड से. देखिए कितना सुंदर इसका लुक है. मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है. Yummy. इतना टेस्टी स्टार्टर बना था, उतना ही टेस्टी पास्ता भी हुआ है. मुझे लग ही नहीं रहा है मैं घर में पास्ता खा रही हूँ. मुझे लग रहा है कोई अच्छा सा पास्ता, मतलब इटालियन रेस्टोरेंट में पास्ता खा रही हूँ मैं. यहाँ पे एक फेमस रेस्टोरेंट है पास्ता के लिए, वो है प्रेजो. मुझे तो लग रहा है मैं प्रेजो में ही पास्ता खा रही हूँ. वाह, घर में बैठ के ठंडे में अगर आपको इतना बढ़िया पास्ता मिले और क्या चाहिए, इससे बढ़िया ट्रीट क्या हो. सच में आज मेरा ट्रीट बहुत अच्छा था. ऑसम ट्रीट. ओके गाइस, मैं मेरी ट्रीट को अच्छे से एंजॉय करती हूँ. मतलब पूरे पास्ता बोल को मैं खाली करूँगी और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ. बाय बाय, मैं फिर से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में.